किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके तो न करें चिंता, जम्मू शहर में बनेंगे 5 तत्काल पंजीकरण। श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगामी दिनों में देश भर से शिव भक्तों का शहर में पहुंचना शुरू हो जाएगा। अगर किसी कारण भोले के भक्त दर्शन नहीं करा सके तो इसके लिए तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आगामी 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू शहर में 5 तत्काल पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ एक टोकन केंद्र स्थापित होगा। टोकन पर निर्धारित तिथि और रूट के हिसाब से तीर्थ यात्रियों को तत्काल पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ निर्धारित बैंक शाखाओं और ऑनलाइन मोड पर अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू शहर में वैष्णवी धाम पंचायत भवन रेलवे स्टेशन के पास महाजन हॉल में तीर्थयात्रियों को तत्काल पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ राम मंदिर और गीता भवन में साधुओं के लिए पंजीकरण होगा। रेलवे स्टेशन जम्मू के पास सरस्वती धाम में तत्काल पंजीकरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। इन्हीं टोकन के आधार पर यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर में साधु संत जम्मू पहुंच गए हैं। पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर में साधु संत पूरे माहौल को शिवमय बना रहे हैं। यहां से यात्रा के लिए साधु संतों को रवाना किया जाता है। तत्काल पंजीकरण केंद्रों और संबंधित मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 12 फुट लंबी जटाओं वाले सुखदेव महाराज पहुंचे। पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर में साधु संत आना शुरू हो गए हैं। अभी तक 75 से अधिक साधु साध्वियां राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। कोलकाता से आए सुखदेव महाराज ने बताया कि वो 4 साल से लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वो बचपन से ही साधु बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी बाल नहीं कटवाए और आज उनकी जटाएं 12 फुट तक लंबी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी आस्था का तरीका है। मेरे बाबा की लंबी जटाएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने भी जटाएं रखना शुरू कर दी जो आज विशाल रूप ले चुकी हैं। मैं अपनी जटाओं को एक बच्चे की तरह ध्यान रखता हूँ। भोले बाबा की नजरों में सब एक हैं, साध्वी रानी शेट्टी। वहीं बाबा के दर्शन करने पहुंची किन्नर साध्वी रानी शेट्टी ने कहा कि वो 8वीं बार पवित्र गुफा में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये दुनिया हमारे साथ जैसा भी बर्ताव करे, लेकिन मेरे बाबा ने कभी भी हम में भेदभाव नहीं किया है, इसलिए मैं बाबा से मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हूँ। अमरनाथ यात्रियों को मिलेगी सभी सुविधाएं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की सुविधाओं को सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सभी हितधारकों से यात्रा के सुचारू संचालन और तीर्थयात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए समन्वय मजबूत बनाने पर जोर दिया।